तीन वाई बराबर सात कामा दिया गया, वाई प्लस तीन इक्वल टू जीरो को क्या करना, हल करना है। यहाँ पर आपको वाई प्लस, पहले आप वाई का मान निकाल लीजिए, इधर दिया गया वाई प्लस तीन बराबर जीरो, तो इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा। इस अवस्था में वाई बराबर आपको मिल जाएगा माइनस कितना, तीन। अर्थात अब वाई के स्थान पर आप कितना रख सकते हैं, माइनस तीन रख सकते हैं। वाई का वैल्यू निकल गया, हमें निकालना किसका है, एक्स का निकालना है। इस अवस्था में आपको दिया गया है दो एक्स प्लस तीन गुणे वाई के स्थान पे हो जाएगा माइनस तीन, और बराबर आपको दिया गया कितना, सात। अब इधर देखिएगा दो एक्स, अब यहाँ गुणा के रूप में माइनस दिया गया और प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तीन में तीन से गुणा करेंगे तो तीन त्रिका, और बराबर आपको कितना दिया गया। अब अभी अभी आपको बताया गया जब प्लस पोजीशन को पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, और जब माइनस को पक्षांतर करते हैं तो प्लस होता है। इधर पोजीशन किस में है, माइनस में, उधर जाएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, दो एक्स बराबर, इधर सात आपको ऑलरेडी प्लस में दिया गया है, इधर पोजीशन माइनस उधर गया, प्लस सात प्लस कितना हो जाएगा। इस अवस्था में आपको मिलेगा दो एक्स बराबर नौ, सात जोड़ेंगे कितना जाएगा, इधर दो गुणा कर रहा नीचे जाएगा, भाग करेगा तो एक्स बराबर आपको मिलेगा सोलह बटा कितना, और दो अट्ठे सोलह। इस अवस्था में एक्स की वैल्यू कितना आ गया, यही आपका क्या है आंसर।